प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SL जाट। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कीजिए और आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ 3 अपनी वस्तु। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। कक्षा 5 हिंदी पाठ 3 अपनी वस्तु। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज में बोलते सुना। दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई देते थे। एक कहता था कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बदला रहा था। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जताने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे। अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हैं, सदैव सबका भला ही चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि यह दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं, अतः इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। यह सोचकर वे उनके निकट गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन, हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता के मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ, फिर भी यह व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, महाराज, यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है। यह भूमि इसके बाग में नहीं बल्कि मेरे बाग में आती है, इसलिए
इसका असली मालिक मैं हूँ। यह झूठ मूठ ही इसे अपनी बतलाकर और मुझे डरा धमका कर इसे हड़पना चाहता है। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो। ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो, उससे ही यह बात पूछ लो कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे, फिर बोले, किंतु यह कैसे संभव है? भूमि भी कभी बोलती है? महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ वह अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज़ तुम लोग नहीं सुन सकते, हम सुन सकते हैं। किंतु यह बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी, क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा? दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, पहले मुझे भोजन कराओ। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़े ही जा रही हैं, पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आए। इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनाकर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के तीन भाग किए और दोनों भाइयों
को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजनादि में लगभग 2 घंटे लग गए। महात्मा जी की इस समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। और हुआ भी यही। वह दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए तो काफ़ी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, महाराज यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। महात्मा जी ने कहा, हम इस भूमि से पहुंचकर इसका निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हों। कुछ देर तक तो वे भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। दोनों भाई बोले, महाराज भूमि क्या कह रही है? महात्मा जी ने कहा, यह भूमि कहती है कि यह दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की और उन्हें समझाते हुए कहा, तनिक विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है जो तुम लोगों की बन जाएगी? मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है, यह नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी
मनुष्य का अपना नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए, परंतु साथ क्या ले गए? कुछ भी नहीं। वे जैसे खाली हाथ संसार में आए थे, वैसे ही खाली हाथ इस संसार से चले गए। तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हो? यह भूमि न तुम्हारी है और न ही तुम्हारी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, धन संपत्ति हैं, मकान आदि हैं, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म हैं, जो लोक परलोक के संगी साथी हैं। शेष सब कुछ तो यही रह जाता है। अतएव आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जन्म सफल करने लगे। कक्षा 5, विषय हिंदी, पाठ 3, अपनी वस्तु। पाठ का सार। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने दो भाइयों को जमीन पर अधिकार के लिए लड़ते हुए देखा। महात्मा जी समझ गए कि दोनों बेकार में लड़कर अपने प्राण गंवा देंगे। उन्होंने उन दोनों को समझाने का निश्चय किया। उन्होंने कहा कि इस भूमि का मालिक कौन है, यह इस भूमि से ही पूछ लेते हैं। दोनों भाई इसके लिए राजी हो गए। महात्मा जी ने पहले उन दोनों के घर से भोजन मंगवाया और उन दोनों भाइयों के साथ भोजन किया। उन्होंने भोजन करने में काफ़ी समय लगाया, जिससे उन दोनों का गुस्सा शांत हो गया। भोजन के बाद दोनों भाइयों ने
भूमि के मालिक का निर्णय करने के लिए कहा। महात्मा जी ने धरती के अपना कान लगाया जैसे कि वे कुछ सुन रहे हों। इसके बाद उन्होंने उन दोनों भाइयों से कहा कि यह भूमि कह रही है कि वह तुम दोनों में से किसी की नहीं है। हाँ, तुम दोनों अवश्य इसके हों। इसने तुम्हारी कई पीढ़ियों को पाला है और आते जाते देखा है। यह सुनकर दोनों भाई शर्मिंदा हो गए। उन दोनों को शांत देखकर महात्मा जी ने उन्हें समझाया कि यह जमीन जायदाद धन दौलत आज तक किसी के नहीं हुए। बड़े बड़े लोग आए और खाली हाथ चले गए, इसलिए तुम लोग भी जमीन के लिए लड़ने के बजाय अच्छे कर्म करो और ईश्वर का स्मरण करो जिससे तुम्हारा लोक परलोक सुधर सके। दोनों भाइयों ने महात्मा जी से क्षमा मांगी और सबके साथ प्रेम से रहने लगे। अभ्यास कार्य शब्द अर्थ उद्यत अर्थात तैयार, स्वामित्व अर्थात अधिकार या मालिकाना हक, संपत्ति अर्थात धन या दौलत, हड़पना अर्थात गायब कर जाना या अनुचित ढंग से ले लेना, मूल्यवान अर्थात कीमती, संसार अर्थात दुनिया, तनिक अर्थात थोड़ा। उच्चारण के लिए तत्काल, बिल्कुल, उद्यत, दलीलें, तत्पश्चात, बंटवारा। सोचें और बताएं। पहला, लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे? दो भाई लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। दूसरा, दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? दोनों भाई जमीन के स्वामित्व के लिए झगड़ा कर रहे थे। तीसरा, दोनों भाइयों को किसने समझाया? दोनों भाइयों को एक महात्मा जी ने समझाया। लिखें। प्रश्न एक, सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखें। अ, दोनों भाई क्या कर रहे थे? अ, हंसी मजाक। ब, लड़ाई झगड़ा। स, बातचीत। द, खाना खा रहे थे। बताओ दोनों भाई क्या कर रहे थे?
दोनों भाई लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, तो हम कोष्टक में क्या भरेंगे? कोष्टक में ब, कोष्टक में हम ब भरेंगे, ब। महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए? अ सोना, ब फल, स भोजन, द कपड़ा। बताओ महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए थे? भोजन, कोष्ठक में हम क्या भरेंगे? स, कोष्ठक में हम स भरेंगे। प्रश्न दो, महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को क्या राय दी? इसका उत्तर लिखो। महात्मा जी ने उनसे कहा कि जिस भूमि के लिए तुम मरने मारने पर उतारू हो, उससे ही पूछ लिया जाए कि उसका असली मालिक कौन है। प्रश्न तीन, भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था? इसका उत्तर लिखो। इसके पीछे महात्मा जी का उद्देश्य यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। प्रश्न चार, महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा? इसका उत्तर लिखो। महात्मा जी के अनुसार धरती ने यह कहा कि ये दोनों बेकार में ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूं। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। प्रश्न पांच, दोनों भाई लज्जित क्यों हुए? इसका उत्तर लिखो। जब महात्मा जी ने यह कहा कि यह धरती तुम दोनों की नहीं है, तुम दोनों जरूर इसके हों, इसने तुम्हारी कई पीढ़ियों को पाला है, यह सुनकर दोनों भाई लज्जित हुए। प्रश्न छः, महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या समझाया? इसका उत्तर लिखो। महात्मा जी ने उन्हें समझाया कि जिस भूमि के लिए तुम लड़ रहे हो, क्या वह आज तक किसी की हुई है? बड़े बड़े राजा भी इसे अपना कहकर संसार से खाली हाथ चले गए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल। Online classes by SL Jat। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों तक साथियों तक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।